नमस्कार खमागणी राम राम सा। मैं महावीर सिंह राजपुरोहित हमेशा की तरह आप लोग लेके आयु एक नई प्रॉपर्टी। आज हम आए सुबावतो की डानी जो कि एम्स रोड पे लोकेटेड है। ये जो आप मेरे पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये रहेगी 30x82 के डायमेंशन के अंदर एकदम प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टी। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये रहेगी आपके सुबावतो की डानी के अंदर, और अगर मैं इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईस्ट फेसिंग। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा हाउस डिटेलिंग में। सबसे पहले अगर मैं इसके रैम की बात करूँ तो रैम्प आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रेनाइट के मिलने वाला है। जो इसका मेन डोर है, मेन डोर रहेगा आप देख सकते हैं आयरन का। उसके बाद में ये रहेगा इसका पोर्च का एरिया। पोर्च का एरिया यहाँ पे आपको काफी बड़ी और काफी किंग साइज के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा एक यहाँ पे गार्डन का प्रोविजन दे रखा है। सामने आप देखिए यहाँ पे आपको एक वाटर बॉडीज का प्रोविजन मिलेगा। ये जो पूरा हाउस है ये रहेगा 4 BHK का हाउस, और इस हाउस की मिलेगी आपको दो एंट्री, एक जाएगी आपको नीचे लॉबी के अंदर और एक रहेगी आपको ड्राइंग रूम के अंदर। ये जो पूरा हाउस है ये आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम और काफी लग्जरी हाउस रहने वाला है। उसके पहले आप देखिए इसका सबसे पहले अगर मैं मेन डोर की बात करूं तो मेन डोर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी हैवी लुक के अंदर मिलने वाला है, जो कि काफी प्रीमियम और लग्जरी मिलेगा। अब आप आ गए, ये रहेगा इसका ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया भी आप देखिए ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर मिलने वाला है। पूरे हाउस के अंदर यहाँ पे आपको 9 AC इंस्टॉल मिलेंगे, आपको हर रूम के अंदर TV मिलने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो नेक्स्ट है इसका जो डाइनिंग एरिया है वो ये देख सकते हैं आपको 6 सीटर का यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल रहेगा, जो कि काफी यूनिक और काफी प्रीमियम डाइनिंग टेबल है। और उसके बैक के अंदर यहाँ पे आपको स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको गोल्ड थीम के अंदर आपको जैगुआर ब्रांड का यहाँ पे आपको वॉश बेसिन दे रखा है। उसके पीछे आप पैनलिंग वर्क भी देखेंगे, जो आपको फैंसी लाइट्स है वो काफी प्रीमियम और काफी अच्छी रहने वाली है। सारी की सारी घर के अंदर आप देख सकते हैं जो फैन है वो आपको RR ब्रांड के रहने वाले हैं। अंडर वायरिंग जो सारी की सारी है वो आपको रहेगी RR की। सारे के सारे स्विचेस हैं वो रहने वाले आपके गोल्ड मेडल GM ब्रांड के। और ये आ गए उसके बाद में हम किचन के अंदर। किचन के अंदर भी आप देखिए यहाँ पे आपको फुल हाइट तक की टाइल्स मिलने वाली है। किचन टॉप आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम और काफी यूनिक रहने वाला है। उसके बाद में आपको यू शेप के अंदर पूरा का पूरा किचन रहेगा। जो इसका गैस स्टोव है वो रहेगा आपको यहाँ पे वर्लपूल ब्रांड का, जो कि इंस्टॉल रहेगा। ऑटोमेटेड यहाँ पे आपको चिमनी का प्रोविजन दे रखा है। सारे के सारे टैंडम बॉक्सेस हैं जो कि आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर मिलने वाले हैं। जो इस किचन के आप सिंक देखेंगे, सिंक यहाँ पे आपको काफी यूनिक और काफी प्रीमियम देखने को मिलेगी, जो काफी हटके सिंक है। और वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको एक विंडो का भी प्रोविजन दे रखा है। किचन के अंदर फुल हाइट तक ही यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं स्टोरेज के लिए सेक्शंस दे रखे हैं। और ये रहेगा यहाँ पे आपको सेटरिंग वर्क। सेटरिंग भी आप देखिए ये भी आपको काफी हैवी क्वालिटी के अंदर मिलने वाला है। इस किचन के अंदर यहाँ पे आपको 600 लीटर का रेफ्रिजरेटर मिलेगा, और एक रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, चिमनी, ये सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज ऐसे कैसे इंस्टॉल रहेगी। किचन के अंदर भी फॉल सीलिंग, फैन, ये सारे के सारे आपको प्रोविजन दे रखा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो ग्राउंड फ्लोर का जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम है वो। उससे पहले देखिए जो आपको आप देख सकते हैं काफी यूनिक यूनिक यहाँ पे आपको फ्रेम्स यहाँ पे इंस्टॉल रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है वो। आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको पूरे घर के अंदर जो चौखट है वो आपको ग्रेनाइट की मिलने वाली है। सारी की सारी यहाँ पे आपको ग्रेनाइट फ्रेम आपको डोर फ्रेम्स रहेगी। और ये आ गए आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मास्टर बेडरूम के अंदर। फर्स्ट मास्टर बेडरूम भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाला है। इस हाउस के अंदर यहाँ पे आपको 4 मास्टर बेडरूम रहेंगे, आपको एक ड्राइंग रूम, किचन, बेसमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब आप देख सकते हैं इसका जो बैक पैनलिंग वर्क है, बैक पैनलिंग वर्क यहाँ पे आपको काफी यूनिक और काफी क्रिएटिव मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फैंसी लाइट्स का प्रोविजन दे रखा है। और ये देखिए ये सामने मेरे फ्रंट के अंदर आएगा स्टडी टेबल। ये जो लैंप्स है, चेयर्स है, आपको एज इट इज ऐसे कैसे इंस्टॉल रहेगी। और ये रहेगा टीवी पैनल, और यहाँ पे आपको 55 इंच की टीवी यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो ड्रेसिंग एरिया है वो। ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम, ये रहेगा इसका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया फ्रंट के अंदर आप देखिए काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको ग्लास का प्रोविजन दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल काफी सारी आप डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। लाइटिंग का काफी अच्छा काम हो रखा है। और ये रहेगा आप देख सकते हैं इसका जो वार्डरोब, वार्डरोब आप काफी स्पेशियस और काफी बड़ी साइज के अंदर वार्डरोब्स मिलने वाले हैं, जिसके अंदर नीचे भी आपको स्टोरेज के सेक्शंस दे रखे हैं और फुल हाइट तक के यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिलने वाले हैं। अब हम आ गए हैं इसके जो वॉशरूम के अंदर, जो अटैच वॉशरूम रहेगा। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेबल टॉप रहने वाला है। सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग यहाँ पे आपको जैगुआर ब्रांड की रहेगी। फुल हाइट तक ही यहाँ पे आपको टाइल्स मिलने वाली है। ये रहेगी आप देख सकते हैं आपका कमोड एरिया, और वो आगे आपका शॉवर सेक्शन। शॉवर सेक्शन के अंदर भी आप देखिए ये भी आपको एक अलग से सेपरेट बना रखा है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ग्लास का पार्टीशन दे रखा है। और ये ग्लास भी है जो काफी अच्छी और काफी हैवी लुक के अंदर रहेगा, और ये टफन ग्लास रहने वाला है। चलते हैं जिसके जो ग्राउंड फ्लोर के सेकंड मास्टर बेडरूम के अंदर। सेकंड मास्टर बेडरूम भी आप देख सकते हैं ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे भी आप देखिए आपको फुल हाइट तक के यहाँ पे आपको वार्डरोब्स हैं, और सारे के सारे वार्डरोब्स यहाँ पे आपको काफी स्पेशियस हैं। और जो आपको हार्डवेयर की फिटिंग्स है ये सारी की सारी ब्रांडेड मिलने वाली है। उसके बाद में ऊपर भी आप देख सकते हैं आपको स्टोरेज का सेक्शन है, और ये रहेगा यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं बुक शेल्फ या आपका काफी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, वो सब कुछ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और ये रहेगा इसका बैक पैनलिंग, पॉसिस वर्क, फैंसी लाइट्स,
ये सारी की सारी चीजें काफी यूनिक और एकदम डिफरेंट मिलने वाली है। ये जो हाउस है ये रहेगा आपका 30x82 साइज के अंदर, जो कि एकदम प्रीमियम हाउस रहने वाला है। और ये देखिए आप फ्रंट के अंदर, यहाँ पे मेरे काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको ग्लास मिलेगा। इसके पीछे ये पूरा का पूरा ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे आप कुछ भी सामान वगैरह वो सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका अटैच वॉशरूम है वो, आइए ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम के अंदर भी देखिए यहाँ पे आपको फुल हाइट तक की 2x4 की वर्टिफाइड टाइल्स मिलने वाली है। फ्लोरिंग के अंदर भी यहाँ पे आपको टाइल्स का प्रोविजन दे रखा है। फैंस, वो फॉल सीलिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको वॉशरूम के अंदर भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद में ये यहाँ पे रहेगा वॉश बेसिन का एरिया। यहाँ मेरे फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं वॉलिंग, यहाँ पे आपको जैगुआर ब्रांड का कमोड रहने वाला है। और ये रहेगा यहाँ पे आपका शॉवर एरिया। शॉवर एरिया को अलग से सेपरेट बना रखा है वो कि उससे आपको ग्लास के पार्टीशन से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका रूम का जो बैक एरिया है वो, ये रहेगी एक विंडो। उसकी विंडो की भी आप फ्रेमिंग देखेंगे जो कि रहने वाली है आपकी, आप देख सकते हैं ग्रेनाइट के अंदर। और ये रहेगा इसका आप देख सकते हैं बैक एरिया। ये बैक एरिया भी अभी आपको काफी स्पेसियस मिलेगा, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं अगर घर के अंदर कोई एक्स्ट्रा गेस्ट वगैरह हो, कभी कुछ पार्टी हो तो एक्स्ट्रा बर्तन हो तो वो सब कुछ आप यहाँ पे सेटअप करके आप धो सकते हैं। ये रहेगा इसका जो सिंक रहेगा। और यहाँ पे आप डिशवॉशर रहेगा, डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन आप जो भी आप लगाना चाहो वो आपको मिल जाएगी। और ये काफी स्पेसियस रहने वाला है। इसके पीछे भी आप देखिए ये भी आपको फुल स्पेसियस जगह मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर के अंदर यहाँ पे आपको एक बेसमेंट हॉल का भी प्रोविजन दे रखा है उसकी तरफ। उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्लांट्स का प्रोविजन दे रखा है। ये पूरा डुप्लेक्स हाउस है, डुप्लेक्स हाउस का एक अलग ही फील आता है, अलग ही लुक आता है। अब मैं आपको जो सबसे पहले जो दो डोर्स बताए थे ये रहेगा जो इसका सेकेंड एंट्री रहेगी वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका बेसमेंट एरिया है वो, चलिए। हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से चलने से पहले अगर बताऊं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रेनाइट की यहाँ पे स्टेयर्स दे रखी है। और ये रहेगी आपका, आप देख सकते हैं ग्लास की आपको पूरी की पूरी रेलिंग रहने वाली है जो कि काफी हैवी लुक के अंदर है। इस घर के अंदर यहाँ पे आपको 10 kW का सोलर इंस्टॉल्ड रहेगा। और ये वाली वॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेकोरेटिव वॉल मिलने वाली जो काफी यूनिक और काफी आपको एकदम प्रीमियम मिलेगी। और ये आ गए आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आप देखिए ये आपको काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिलने वाला है जो कि आप देख सकते हैं डेकोरेटिव ये पूरी वॉल रहेगी। यहाँ पे भी आपको एसी इंस्टॉल रहेगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिलने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इस घर का जो मास्टर बेडरूम है वो, आइए। ये मास्टर बेडरूम आपको काफी पसंद आने वाला है और काफी बड़ी साइज के अंदर ये मास्टर बेडरूम मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ये रहेगा इस पूरे घर का जो मास्टर बेडरूम है वो। ये आप देखिए काफी बड़ी साइज के अंदर ये आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है जो कि 15x30 साइज के अंदर बना हुआ है। देख सकते हैं बैक पैनलिंग वर्क काफी प्रीमियम हो रखा है। यहाँ पे आपको फुल हाइट तक की यहाँ पे पोशेस का काम हो रखा है। नीचे भी आप देखिए टाइल्स का काफी अच्छा काम हो रखा है। और ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी 75 इंच की टीवी। और ये रहेगा आपका सोफे का प्रोविजन, सिटिंग एरिया रहेगा। 75 इंच की टीवी के साथ जो इसका टीवी पैनल है वो भी आप देखिए काफी बड़ी और काफी प्रीमियम रहने वाला है। यहाँ पे भी सारे के सारे फैंस रहेंगे और सारे के सारे आपको प्रीमियम क्वालिटी के अंदर फैंस मिलने वाले हैं। इस रूम के अंदर आपको 1.5 टन की 2 AC इंस्टॉल रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेबल्स वगैरह ये भी काफी प्रीमियम और काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे आपको इंस्टॉल रहेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी पीछे की जो बालकनी एरिया है वो, ये रहेगा आप देख सकते हैं इसका जो बैक एरिया है, बालकनी एरिया है वो भी आपको काफी स्पेशियस रहेगा। यहाँ पे आपको वुडन थीम के अंदर अप डाउन लाइट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लैंक्स का काफी अच्छा काम हो रखा है। पीछे की साइड के अंदर भी आप देखिए आपको पूरी की पूरी आपको ग्लास की रनिंग मिलने वाली है। जहाँ जहाँ पे पूरे घर के अंदर अगर आपको कैमरे की रिक्वायरमेंट है सब जगह यहाँ पे आपको कैमरे इंस्टॉल मिलेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो इस रूम का जो अटैच वॉशरूम है वो, ये देखिए आपको ये रहेगा इस रूम का अटैच जो वॉशरूम है वो। ये भी आपको रहेगा सबसे पहले ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर आप देखिए ये रहेगा फ्रंट के अंदर काफी बड़ी साइज के अंदर ग्लास मिलने वाला है। ये रहेंगे वार्डरोब्स, सारे के सारे वार्डरोब्स आप देखिए ये आपको काफी प्रीमियम और काफी बड़ी साइज के अंदर मिलने वाला है, काफी स्पेसियस ये वार्डरोब्स है। और उसके बाद में ये रहेगा आप देख सकते हैं डेकोरेटिव आपके आइटम्स। और यहाँ पे भी आपको एक पेंटिंग का काम हो रखा है। इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए ये रहेगा इसका ग्लास का डोर। और ये आ गया आपका वॉश बेसिन एरिया। वॉश बेसिन भी आपको काफी यूनिक और काफी डिफरेंट बना रखा है। सारी की सारी आपके जैगुआर के अंदर आप देख सकते हैं वाटर टैप्स रहेंगे। और ये रहेगा इसका आप देख सकते हैं वॉलिंग कमोड। अब मैं दिखाता हूँ जो इसका शॉवर एरिया और जो इसका बाथ टब है वो, इसकी जो आप वाटर बॉडीज देखेंगे सारी की सारी जैगुआर ब्रांड के अंदर। ये रहेगा आपका रेन शॉवर और सीलिंग शॉवर यहाँ पे लगा रखा है। और ये रहेगा आप देख सकते हैं जकूजी आपका बाथ टब जो कि काफी स्पेसियस है। अगर कभी आपके बच्चे या आप कभी संडे को फ्री होते हैं तो यहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो इसका लास्ट मास्टर बेडरूम है वो।
ये आप देख सकते हैं, ये रहेगा इस घर का जो लास्ट मास्टर बेडरूम है। ये भी आपको काफी स्पेसियस और काफी आप देख सकते हैं, ये आपको फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। ये जो घर है, ये जो इसके आसपास की लोकेलिटी की बात करूं तो ये आपको जैन महेश्वरी लोकेलिटी के अंदर ये हाउस रहने वाला है। और इसका भी आप देख सकते हैं, जो इसका बैक पैनलिंग वर्क है वो काफी अच्छा और काफी यूनिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्लैक मिरर का काफी काम अच्छा काम हो रखा है। और ये इसके जो वार्डरोब्स हैं, सारे के सारे घर के अंदर जो वार्डरोब्स है काफी स्पेसियस और काफी बड़ी साइज के अंदर वार्डरोब्स मिलेंगे आपको। और ये रहेगा इसका ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया भी यहाँ पे आप देखिए काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको ग्लास का प्रोविजन रहेगा। यहाँ पे पीछे आपको स्टोरेज के सेक्शंस दे रखे हैं और नीचे आपको एक स्टूल का प्रोविजन दे रखा है। और ये रहेगा फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं टीवी पैनल, हर रूम के अंदर यहाँ पे आपको टीवी इंस्टॉल्ड मिलेगी, एसी इंस्टॉल्ड मिलेगी। और इस रूम की भी जो फॉल सीलिंग है वो भी देखेंगे तो वो भी आपको काफी प्रीमियम और काफी यूनिक मिलने वाली है। और ये आगे इसके जो अटैच ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम की तरफ, इसके अंदर वॉक इन आपको वार्डरोब मिलेगी जो कि आपको देख सकते हैं फुल स्पेसियस वार्डरोब रहने वाली है। और उसके बाद में ये आगे आप देख सकते हैं इसका कमोड एरिया जो कि जैगवार ब्रांड का मिलेगा। ये आगे इसका वॉश बेसिन और ये आगे इसका जो सेपरेट बाथ एरिया, बाथ एरिया यहाँ पे भी आपको एकदम से अलग से सेपरेट बाथ एरिया मिलेगा जिसके अंदर ग्लास का पार्टीशन रहेगा। और सारी की सारी फिटिंग्स है वो आपको मिलेगी जैगवार की और यहाँ पे भी मिलेगी फुल हाइट तक की टाइल्स, पूरे घर का काफी क्वालिटी वर्क मिलेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी अटैच बालकनी एरिया है वो, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी अच्छी साइज के अंदर बालकनी मिलने वाली है जिसके अंदर यहाँ पे आपको ग्लास का पार्टीशन का काम हो रखा है। आप देख सकते हैं ये भी आपको ग्लास काफी हैवी लुक के अंदर मिलेगी और ये आपको सारे के सारे पूरे घर के अंदर सारे के सारे ग्लास है वो कि रहेंगे टफन ग्लास। और इसका भी आप बालकनी का भी अगर आप डोर देखेंगे तो काफी हैवी और काफी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ये आपको डोर मिलने वाला है। जो बिल्डर होता है ये बिल्डर के हिसाब से मकान नहीं बनाया गया है, काफी प्रीमियम और काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये पूरा का पूरा घर मिलेगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर की सबसे क्रिएटिव और सबसे अच्छी चीज जो कि टेरिस, टेरिस के ऊपर यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक सिटिंग एरिया दे रखा है। अब हम चलते हैं टेरिस के ऊपर, टेरिस के अंदर यहाँ पे आपको एक रूम किचन और टेरिस और एक गजेबो बना रखा है जो काफी यूनिक और काफी आपको अलग अट्रैक्टिव दिखेगा। और टेरिस के ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ के अंदर भी आपको आपको स्टेनलेस स्टील के साथ में ग्लास की रेलिंग मिलने वाली है और यहाँ पे भी आपको आप देख सकते हैं डाउन लाइट्स रहेगी। और ये आ गए आप देख सकते हैं टेरिस के ऊपर, टेरिस के ऊपर भी आप देखिए ये आपको काफी बड़ी साइज के अंदर आपकी टेरिस मिलने वाली है। यहाँ पे आपको टुकड़ी का प्रोविजन दे रखा है, वहां पे आपको एक रूम, यहाँ पे आपको एक वॉशरूम और सारे के सारे एसी के आउटर्स हैं वो आपको यहाँ पे टेरिस पे इंस्टॉल रहेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी यूनिक और काफी बड़ी साइज के अंदर गजीबो रहेगा जिसके अंदर जो आप फैंसी लाइट्स का आप देख सकते हैं काफी अच्छा काम हो रखा है। रात के अंदर यहाँ पे आपको काफी अच्छी अच्छी यहाँ पे आपको फैंसी लाइट्स देखने को मिलेगी। और ये रहेगा इसका सिटिंग एरिया, अगर आप कोई भी छोटी बड़ी पार्टी घर पर ही करना चाहते हैं तो वो सब कुछ आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये 30x82 का 4BHK का ईस्ट फेसिंग हाउस कैसा लगा जो कि रहेगा सुभावतों की ढाणी के अंदर। अगर आप इस हाउस की विजिट करना चाहते हैं या इस हाउस को खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।